स्किन केयर होगा, इसके लिए क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स देखिए। घर में अगर दही है, थोड़ा सा दही लेना है। और ये बीट रूट का फेस पैक है, इसको भी थोड़ा सा लेना है। दही के साथ लेना है बीट रूट थोड़ा सा। और ये रोज वाटर है, कोई भी रोज वाटर ले लीजिए। तो इसको मिक्स करना है, उसके बाद फिर अप्लाई करना है फेस पे। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से करिए, अगर कम ज़्यादा हो या कुछ भी हो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीट रूट फेस पैक फेस पे अप्लाई करने के बाद फेस एकदम पिंक जैसा हो जाता है, ग्लोइंग बहुत अच्छे से आता है। तो आप लोग जरूर ट्राई करिए, और हम भी करेंगे, अभी आप लोगों को शो करेंगे, देखते रहिए। तो मेरा ये पैक जो है रेडी है, अभी मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। और मेरा फेस अभी देखिए कितना डैमेज है, अभी फेस मेरा कितना डैमेज है। तो इस डैमेज जो है एकदम पूरा कंट्रोल हो जाएगा, तो इसको अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद इसका ग्लो कैसा आता है वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग ब्रश पे से ब्रश यूज़ करके भी लगा सकते हो, और ऐसे उंगली से भी लगा सकते हो। तो ऐसे करके अप्लाई करना है। आंखों के नीचे में जो काला काला स्पॉट हो जाता है वो भी दूर हो जाएगा। उससे भी बहुत ईजी सीख के दही है इसके अंदर, तो क्या होता है एकदम पूरा स्किन जो है पूरा ग्लो कर जाता है। और बीट रूट से तो पूछो ही मत, मतलब क्या फर्क है, क्या मतलब होता है स्किन में, बहुत ज़्यादा स्किन में जो गर्मी की वजह से धूप की वजह से टैन आ जाता है चेहरे में, फिर वो जो एक में होते हैं सब, मतलब पिंपल्स वगैरह जो भी है सभी प्रॉब्लम दूर, और स्किन भी मतलब ग्लो जैसा हो जाता है। मैंने पूरा लगा लिया है करके निकल लिया है। इसको अच्छे से मिला देना है पूरा फेस, अच्छे से मिला के फिर छोड़ देना है। ऐसे पूरा फेस ऐसे पूरा फेस में लगा लेना।
इसका इसका जो रिज़ल्ट है, इसका रिज़ल्ट ये सब होगा वो आप लोगों को कुछ देर बाद दिखाते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, और पहले सूख जाएगा हवा से सूख जाएगा, उसके बाद फिर आप फ्रेंड्स देखिए फेस एकदम धूप पे आ गई है, और चेहरे पे देखिए कितना ब्लू आ रहा है, स्किन आपके नीचे देखिए एकदम है, और इधर भी देखिए पूरा एकदम एकदम स्मूथ सॉफ्ट। तो आप लोग भी यूज़ करिए आल्स गुडनेस और बीटरूट फेस पैक, 100% नेचुरल है। हेलो।